हाय हाय हाय, मैं आज सिक्स T20 एनालिसिस के लिए बैठा हूँ। फिफ्थ में पाकिस्तान जीत गया, सिक्स में पाकिस्तान को रगड़ दिया इंग्लैंड वालों ने, रगड़ दिया। सॉल्ट ने पूरा पाकिस्तान नमकीन कर दिया, जो धोया है जो धोया है। खैर चले, हुआ क्या, पाकिस्तान ने रन तो कम नहीं किए थे, 170 इज अ गुड स्कोर। बाबर आजम वेल प्लेड, ज़बरदस्त खेला। 10-15 वो कैच शॉट थे मेरे हिसाब से नहीं थे, न्यू बॉलिंग अटैक था, सब कुछ था। लेकिन इंग्लैंड ने बहुत अच्छा, जब किसी का दिन ऐसा हो बहुत मुश्किल हो जाता है। सॉल्ट और हेल्स ने बाजी पलट के रख दी, बहुत खतरनाक अटैक किया। शुरू के 3 ओवर से लेकर 6 ओवर में मैच पलट चुका था। अब पाकिस्तान को यहाँ से सीखना होगा कि वन डायमेंशनल क्रिकेट कैसे खेली जाती है, टू कैसे खेली जाती है, विकेट के चारों तरफ कैसे खेला जाता है। मैंने प्रेडिक्शन की थी, पाकिस्तान समझ गया होगा कि पाकिस्तान को क्या करना और जीत जाएगा, लेकिन उसके बरक्स हुआ। मैं कह रहा था ये कैट एंड माउस सीरीज है, कभी ये जीते हैं कभी वो जीते हैं। बाय द वे, आज ग्लासेस लगा के मैं कैसा लग रहा हूँ आप कमेंट में जरूर बताइएगा। अच्छा तो ये हो गया, फिर उसके बाद जो है वो 170 भी कुछ नहीं रहा। तो मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर फिर जो है वो कोलैप्स कर रहा है। शान मसूद को देखना होगा, क्रॉस जा रहे हैं बहुत सही, अपने हिसाब से नहीं खेलें, सीधा खेलें। हैदर अली का कंपोजर चेंज हुआ है बहुत, वो तबीयत भी ख़राब थी, हॉस्पिटलाइज भी होगा उसके बाद सुना है, लेकिन वो अपना गेम चेंज कर लिया उन्होंने। अब आई डोंट नो कोच ने किया है, उनको किसने बताया है, किसने सिखाया है, क्या हुआ है, उन्होंने बहुत चेंज कर लिया, तो देखना पड़ेगा। अब मुझे लगता है फ़खर जमान को ये सब मिल के चांस दे रहे हैं, हैदर, खुशदिल, इफ्तिखार चाचू, ये सब मिल के जो है ना कह रहे हैं कि नहीं भाई तुम फिट हो जाओ तुम आ जाओ। उन्होंने अपनी जगहों के लिए खेल ही नहीं है। आसिफ अली जाएगी कमोबेश यही टीम, जिद भी है कि यही लेके जानी है, तो यही लेके जाएंगे। लेकिन भाई मैं ये कह रहा हूँ कि अब इनको सोचना पड़ेगा कि भाई 6 ओवर में लाइक हमारा स्कोर बहुत कम था, हमें तेज खेलना पड़ेगा। रिजवान फैक्टर भी था, रिजवान थे नहीं, पर पता लग गया क्या हुआ, बाबर ने बहुत अच्छा खेला। लेकिन रिजवान और बाबर को अब आगे देखते हैं वर्ल्ड कप में किस तरह होता है। लेट सी, 7वां T20 में पाकिस्तान की बॉलिंग कॉम्बिनेशन भी वापस आएगा, पाकिस्तान की रिजवान भी वापस आएगा, और हो सकता है खुशदिल को लाना पड़ जाए। लेट सी, 7 मैच कल है, इसकी प्रेडिक्शन कल करेंगे इंशाल्लाह। होप फॉर दी बेस्ट, थैंक यू, साइनिंग ऑफ, इजलास सिद्दीकी।